नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरके निषाद, दर्शक न्यूज 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि अभी हम फिर से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के बरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत उसी गांव मौजूद हैं। फिलहाल गांव का नाम और मैं नहीं बता सकता गोपनीयता रखने के लिए। तो दोस्तों बता दें कि बीते 26 अक्टूबर 2024 की बात है, जब सुबह एक 23 वर्षीय महिला अपने घर से हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल में स्टाफ थी तो अपने हॉस्पिटल के लिए रवाना होती हैं और दिन दहाड़े ही सुबह 8:30 बजे कुछ लोगों के द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसको सुनने और जानने के बाद लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है तोल पकड़ा है, सुर्खियों में बना हुआ है और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज बता दें कि बांदा लोकसभा की सांसद कृष्णा पटेल मैम हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि वो पीड़ित परिवार से मिलने आई हैं, पीड़िता से मिलने आई हैं, क्या कुछ उन्होंने जो है बातचीत की है और क्या कुछ समझा, क्योंकि पीड़िता लगातार आरोप लगा रही कि जो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ सुबह मिश्रा नाम का, सिर्फ इकलौता आरोपी नहीं है बल्कि उसके अलावा 3 आरोपी और हैं। मैम आज आप आई हैं पीड़िता के घर मिलने, तो क्या बातचीत आपने की पीड़िता से या पीड़िता ने आपसे क्या कुछ बताया? देखिए, जो जिस दिन ये घटना हुई है तो हम दिल्ली में थे, दिल्ली में इलाज कराने के लिए मंत्री जी को लेके गए थे जी। हम इधर नहीं आ पाए हैं, तो कुछ लोगों ने उस दिन मीटिंग थी कार्यालय में तो हम आए थे, तो सारे लोग बताए कि आप वहाँ चलिएगा और वो बच्ची से पूछिएगा, इसलिए हम आज आए हैं। तो अब बच्ची से पूछा तो बच्ची सारी घटनाएं बताएं कि हम साइकिल से जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति मुंह बांधे मेरे बगल में खड़ा था, पानी भरा था तो वही पानी से मैं निकल रही थी, वो आगे मोटरसाइकिल लगा के और मुझे पकड़ के और जंगल में ले गया जी। मेरे साथ रेप किया और 3-4 लोग थे वो जी। वो और तो नहीं किसी को पहचान पाए क्योंकि वो बेहोश हो जाती थी जी। लेकिन जो वो व्यक्ति था जी। उसको पहचान लिया है। अब पुलिस आनाकानी कर रही है और उसको न्याय नहीं दिला रही है और जो उसके साथ ऐसे ऐसे सवाल कर रही है, इसका मतलब कि वो सब लोग मिले हुए हैं। पहाड़ी है सुचोरिता सिंह, पहाड़ी में जंगल है वो, तो उसके साथ न्याय होना चाहिए जी। कुल मिला के हम आए हैं, जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा जी। हम बच्ची को जरूर न्याय दिलाएंगे जी। और जहाँ भी जाना पड़ेगा हम अधिकारियों से मिलेंगे, धरना भी धरना पड़ेगा तो हम बच्ची को लेके धरना भी करेंगे। मैम घटना को आज लगभग 23 दिन हो रहे हैं, 23 दिन, 23 दिन बीत जाने के बावजूद लगातार परिवार डरा सहमा है, पीड़िता लगातार अपने बयान दे रही है। पीड़िता का आरोप ये है कि आरोपी सिर्फ एक नहीं है बल्कि 3 आरोपी हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो बाकी के बच्चे 3 आरोपी हैं। महसूस मैंने किया है, घटना मेरे साथ हुई है, मैं जानती हूँ कि मेरे साथ कौन किसने कब क्या किया है, ये पीड़िता का कहना है। आपको क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से पीड़ित तक बयान अलग आ रहे हैं, वहीं पर चित्रकूट पुलिस प्रशासन का बयान अलग आ रहा है, तो दोनों में कितना फर्क देखती हैं? देखिए, ये सरकार जो है ना झूठी सरकार है, ये सरकार नहीं चाहती कि कोई भी हमारे सरकार को कोई गलत ठहराए, लेकिन ये सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जब बेटी ही नहीं दुनिया में बचेंगी तो क्या बेटी आगे पढ़ पाएंगी, क्या आगे बेटी जा पाएंगी, तो ये सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन भी जो कहते हैं वही करते हैं, प्रशासन भी उनके ऊपर दबाव में रहता है, कोई काम नहीं करता है, उल्टा जो घटना होती है उन्हीं को डरा डरा के ये सब काम करते हैं, तो इनकी मंशा यही है। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये सरकार रहे और सरकार हमारी आना बहुत ज़रूरी है, तो ये सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे जो 2027 में, और अपनी बेटी को जरूर न्याय दिलाएंगे। मैम इससे पहले भी हाल ही में आपने देखा कोलकाता के आजकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला नर्स के साथ, रेजिडेंट महिला नर्स थी, उनके साथ ये घटना होती तो पक्ष विपक्ष सब खुलकर सामने आए थे, एक दूसरे पर छींटा कसी दोषारोपण कर रहे थे, लेकिन चित्रकूट जनपद में एक बेटी के साथ दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद आज अगर देखा जाए तो ना पक्ष ना विपक्ष कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आपका आना हुआ, आज 23 दिन बाद आप आई हैं,
आपसे पहले अभी तक कोई यहाँ पर नहीं पहुँचा, पहले आप आई हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किस तरह का न्याय पीड़िता को मिलना चाहिए, या फिर उनको न्याय दिलाने के लिए आप क्या कुछ आगे करने वाले, क्या कदम उठाने वाले? देखिए, हम चाहते हैं कि वो जेल जाए, और जो इसके साथ बच्ची के साथ हुआ है, जिसके साथ मतलब अन्याय होता है, उसको फांसी की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि जब इस तरह के कांड करेंगे, अगर फांसी की सज़ा होगी तो उनको भी लगेगा कि हाँ, हम किसी के साथ अन्याय करते हैं और ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो। प्रशासन की हीला हवाली देखती है? प्रशासन तो हीला हवाली तो कर ही रहा है, प्रशासन दबाव में है, प्रशासन सब दबा रहा है कि कुछ ना हो, तो हम जरूर न्याय दिला के रहेंगे। तो अभी हमारे साथ बांदा की सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद कृष्णा पटेल मैम थी, जिनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया कि बरगढ़ में हुई घटना को लेकर वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आई थी, क्या कुछ उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया, क्या कुछ उन्होंने बातचीत की, उनसे हमने जानने और समझने का प्रयास किया। आगे की जो भी खबरें हैं लगातार यूँ ही हम आप लोगों को देते रहेंगे। फिलहाल अभी की रिपोर्ट बस यहीं तक, मिलते किसी दूसरी खबर। तो अभी तक कोई न्याय नहीं मिला? नहीं मैम, एक इंसान को पकड़ के बोल रहे हैं कि ये कोई पकड़ा गया नहीं? हाँ, एक पकड़ा गया है, वही जो मुझे बांधा है। वो जेल गया? हाँ, बोल रहे हैं कि सिर्फ हाथापाई हुई है। अच्छा। हाँ, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका कुछ नहीं। बोल रहे हैं कि एक इंसान है, हाथापाई हुई है और बकाया कुछ नहीं। और उस इंसान को ठीक है, आज एक केस नहीं किया, चार चार कांड किया है। उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिकल मेरी नहीं दिखा रहे हैं, मेडिकल छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे रीता सिंह थी, सचो थी, वहाँ पे खड़ी होके मुझसे कंटिन्यू मुझसे ऐसी बातें कर रही थी, इतनी टॉर्चर कर रही थी। वहाँ पे जो मुस्लिम डॉक्टर थी वो बोल रही थी इसके साथ रेप हुआ है, यहाँ वहाँ लगा, जहाँ भी लगा था रेप, शरीर में चोटें दिखा रही थी, बोल रही थी रेप हुआ है, ये हुआ, बात कर रही थी। तो वो बोल रही थी कि बस मेरे सर के पास खड़ी होके सारे जगह की फ़ोटो खींच रही थी। उसके बाद कालविंस वो मेरे पास आई, कमला नेहरू, वहाँ भी करीब 12-1 बजे रात तक मुझसे पूछताछ, 20-25 जनरल वार्ड था, 20-25 लोगों के बीच में मुझसे ऐसी ऐसी बात कर रही थी, तुम यहाँ थी, तुम वहाँ से कैसे छूटी। उनका बात करने का तरीका मैम इतना गलत था कि मेरी रूह कांप जाती थी, इतना मतलब टॉर्चर करके वो पूछ रही थी। मेरी बहन वहाँ पे खड़ी थी तो बोल रही थी कि तुम वीडियो बना रही, तुम यहाँ क्या कर रही हो, उसको भगवा दी थी बाहर। बोल रही थी तुम यहाँ थी, तुम रेलवे ट्रैक पे कैसे पहुँची, तुमको उठा के फेंका गया है। जब मैं बताई कि मैं मेरे मुंह में पैंटी डाल दिए थे उतार के, तो बोली कि तुम जब वहाँ पे थी तो कैसे फिसल के गई, तुम्हारी पैंटी वहाँ पे क्या कर रही थी, उससे ऐसे ऐसे सवाल कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि, और दुहाई दे रही थी, मेरी एक बच्ची है और मैं भी एक महिला हूँ, महिला होती तो मुझसे ऐसे टॉर्चर करके सवाल ऐसे न पूछती। बोल रही थी मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, कुछ नहीं समझ सकती, इतनी बेरहमी से बात कर रही थी, तुम्हारे कितने लोग तुमको ऐसे किए वैसे किए। अब मैं कुछ बोल जाती थी तो बोल रही थी कि बार बार बयान बदल रही हो, आखिर जितना होश आएगा, जितनी क्षमता थी एकदम मरी हालत में छोड़े थे मैम, क्योंकि अपनी मान मर्यादा में हमेशा मैं रहती थी, भले गरीब परिवार से हूँ, ऐसे संस्कार नहीं मिले थे कि तो मैं गरीब परिवार से कोई होता है तो क्या इसी में रहता है क्या? चलिए, जहाँ तक होगा हम आपकी मदद करेंगे, परेशान ना होइए। कभी किसी से मेरी कभी किसी इंसान से बदतमीजी से बात भी नहीं करती थी, कोई मुझे उल्टा सीधा बोले या मेरी किसी से दुश्मनी होए। तब ठीक है तबीयत? हाँ, थोड़ी उठ पाती थी, चलने की कोशिश करती, चल नहीं पाती। देखिए, मन से ये सब ख्याल निकाल दीजिए और थोड़ा सा अपने अंदर से मजबूती लाइए, ठीक है? अब आगे हमें कैसे लड़ना है वो हमें देखना है। इस तरह पड़े से काम थोड़ी चलेगा।
अपने आप को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि आगे की लड़ाई भी लड़ना है। रात रात भर में नींद नहीं आती, बस उन्हें सजा तो जरूर मिलना चाहिए। सजा ना मिलेगी तो आगे फिर यही हाल होगा। आवाज नहीं उठाएंगे नहीं होगा समाज को ऐसे। वो मान लीजिए वो जेल में बैठा है, जो अन्य है वो इधर उधर फिराक में होंगे, हमारे घर वालों को नुकसान पहुंचाएंगे, अगर किसी और इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे। उनमें से आप किसी व्यक्ति को पहचानती हैं? हाँ, एक इंसान को पहचानती हूँ। क्या नाम है उनका? वो जो मुंह बांधे था ना, जो मुझे वहाँ मिला था शुरू में पकड़ के ले। हाँ, वो सुबह मिश्रा नाम है उसका, बिहरिया का। सुबह मिश्रा बिहरिया से। हाँ, गिरफ्तार भी हुआ, नहीं जाने वाले हैं। तो क्या करते हैं वो? अच्छा, क्या पहले से कोई बात थी क्या? नहीं, मैं पहले से मैं उसको जानती भी नहीं थी। बात के लिए यहाँ कभी आता रहा हो? नहीं, मैं कभी नहीं देखी थी उस इंसान को, मैं पहली बार देखी हूँ। है वो आइकट पैकट का बोल रहे हैं, लेकिन मैं जब वो इंसान मुझे दिखा। और कभी कोई कांड किया है कि? हाँ, दो तीन केस हुए। हाँ, दो तीन कांड वो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश शंकरगढ़ में भी रेप के रेप कांड में गया था जेल। वो भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, थाने से जानकारी हम सब लिया तो ये बातें बताई गई। चलिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, अब आपके साथ हैं हम, तो मिलना चाहिए। मैं बोल रही हूँ, देखिए ये सरकार जो है ना, कहते हैं, नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा नहीं हुआ है मैम। हैं, ऐसा नहीं हुआ है। आज 23 दिन हो गए। और देखिए, कल भी वहाँ करबी में कांड हुआ है, तो उसको भी वहाँ मार के फेंक दिए हैं, या लूट के उससे गए, या रेप के उससे गए, क्या पता कहे से गए। लेकिन बनवारी मोड़, हाँ बनवारी में है शायद, परसों शाही घटना। ये सारी घटनाएं होती हैं, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब बेटी दुनिया में बचेगी ही नहीं तो बेटी आगे पढ़ेंगे क्या।